असला उम्मीद है आप सब लोग हेड से होंगे तो आज हम लोग दो पोकी बॉल के जो इफेक्ट्स बॉल से पुखन बाहर आ रहा हो और पोखीमोन वापस आ रहा वाला हम लोग है तो ये में दो इस काफी स्पीड में है तो आप टाइमिंग से लीजिएगा तो पहला है ठीक और जो दूसरी फाइल है वो है पोखीम वापस आ रहा है ठीक हो गया तो ये दो इफेक्ट्स जो है हम लोग करना सीखेंगे आज तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको ये मॉडल्स चाहिए होंगे तो ये मॉडल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, में डाल रहा हूँ पीस पॉल का है ठीक है ये रिग हुई है और ये का मॉडल भी है पहले से तो अगर आप तो 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 और कोई मॉडल चूज करना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं ठीक है लेकिन पॉल के तौर पर मैं कहूँगा यही बेहतर आपको देखना चाहते हैं देख सकते हैं तो सबसे पहले शुरू करते तो सबसे पहले हम लोग जो है तो बारह आने वाला जो है उस वाले का देखते हैं ठीक है तो ये जो बीस बॉल है इसका जो है सबसे पहले उसके लोकेशन के ऊपर जो है इसकी जो नाम है आर्मेचर है उसके ऊपर लोकेशन का की फ्रेम लगा हुआ है ये देख सकते हैं आप ठीक है ये इस तरह से मूव होना स्टार्ट होता है ठीक और ये इस पॉइंट पे आ, आगे मूव होता है ठीक और इसी तरह से जो हम लोग से अगर पोस्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे जाके पोस्ट चल जाए ठीक तो इस आर्मेचर को देखे आपकी जो ऊपर वाली बोन है

इसकी रोटेशन के ऊपर जो है है की फ्रेम्स लगे हुए हैं ठीक रोटेशन चेंज होती रहती है वक्त उसकी जो है एमटी की उसके इन्फ्लुएंस की उसके रोटेशन की वजह से जो ये है ये जो ये जो इफेक्ट है शाइन करने वाला ठीक है इसकी वजह से ये भी बार बार चेंज होता रहता है ठीक हो गया तो

ठीक है मैंने ज्यादा ठीक है मैंने जो मेन बॉडी है इसके ऊपर अप्लाई किया लेकिन सारी बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे ठीक है तो उसके लिए ना सबसे पहले तो आपको ऑब्वियसली इस, इस, इसके ऊपर जो है जो, आप की फ्रेम्स देख लें। जो की एक्स्ट्रा लगे हुए जिसका आर्मीचर है ठीक है अभी आर्मीचर नजर नहीं आ रहे होंगे आपको पिकाचू चुकल जो है इसके आर्मीचर इसको मैं शो करता हूँ ठीक है तो जो इसका आर्मीचर है इसके ऊपर की फ्रेम्स है ठीक है इसके ऊपर की फ्रेम्स इसकी लोकेशन के ऊपर भी और इसके स्केल के ऊपर भी इसका स्केल पहले यहाँ पर बिल्कुल जीरो होता है जब तक वो लाइट आती नहीं बॉल से ठीक है जब तक तक आती नहीं तो उसके बाद जो है इसका स्केल इंक्रीज होना स्टार्ट होता है ठीक है और ऊपर लगाया लोकेशन रोटेशन और जो स्केल, बढ़ते, 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 बढ़ते। स्केल, स्केल है दोनों तो को मैं छेड़ सकूं ठीक और बाकी ये है कि इसके ऊपर इतना बड़ा उसके अंदर है नहीं और इसके बाद हम लोग जो है मटेरियल्स देखना शुरू करते हैं ठीक है तो और ये पिकाचू के जो मटेरियल्स हैं वो पहले ही है इसके ऊपर सिंपल एक शेडिंग का मैं चले जाता हूँ सिंपल एक न, एक मिक्सचर है उसके साथ ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शेड और नीचे एक और मिक्सर है और जो वो जो नीचे वाला मिक्सचर है उसके अंदर ब्लू और व्हाइट इमिशन है तो उसका मतलब है हमें ब्लू ब्लू ऑन करनी पड़ेगी ब्लू और व्हाइट इमिशन के साथ ऊपर जो मिक्सचर के ऊपर है आ, को कलर एम्प कंट्रोल कर जो उसके साथ एक लेयर वेट जिसका ब्लाड वो जीरो पॉइंट फाइव है और फेसिंग फेसिम जो है एक साथ किया हुआ है ताकि वो बिल्कुल ही फ्लैट ना लगे हमें शाइन जो है ना उसकी उस वजह से

इसका मटेरियल है उस तरह से जो ऑब्जेक्ट इसका कंट्रोलर जो है वो एम है दूसरे वाला एमटी, सेकंड एमटी, तो उस वजह तो से वो उस तरह मूव कर रहा है बाकी सिंपल बिल्कुल सिंपल रखी हुई है तो ये तो सिंपल इसका हो गया सेटअप ठीक हो गया अब इसके बाद जो है पिकाचू वाला उसका मैं सेटअप आपको आपको एक, एक मटेरियल बता रहा हूँ ठीक है और बाकी सबको आप कर लीजिएगा टेक्सचर को किया है इस तरह से चेंज बाकी किया तो इसका इस, इसकी बॉडी जो है नोट की हो शुरू में देखें जीप से ये जीप से ये, ये शेप में होती है ये भी इसके ऊपर भी क्या हुआ हुआ है टेक्सचर ठीक है इसके ऊपर वार्नाइट जो है मॉडिफायर है ठीक है और उसका भी कंट्रोलर वही एम है ये वाला एम जो है वही है और उसके लेकिन जो स्ट्रेंथ है ठीक है इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर हमने वो क्या नाम है क्री हुआ है स्ट्रेंथ हंड्रेड होती है वो छोटा सा होता होता है ठीक है जब वो बड़ा होता है तो उसकी अपनी शेप ठीक होनी चाहिए तो स्ट्रेंथ फॉर्म लोग जीरो कर लेते हैं ताकि पिकाच की शेप नॉर्मल वापस आ जाए और टेक्चर्स के ऊपर भी बढ़ना ही है से साइज जो है आपको आर्ट्स के मॉडल के लिए डिफरेंट डिफरेंट करना पड़ेगा तो ये याद रखना पड़ेगी छोटी सी चीज

पे आ जाती होती है तो एक बार फिर से आप देख लें ठीक हो गया अब हम लोग तो जो रिटर्न वाली है, उसके ऊपर जाते हैं तो रिटर्न वाले के ऊपर एक सिंपल सिलेंडर uh, लिया है मैंने ठीक है और इसके ऊपर सब डिविजन काफी सारी है ये देख ले सब सब डिविजन काफी सारी है इसके अंदर और ये वो, वो ये वही बीस पॉल है लेकिन इस केस में बीस पॉल ओपन होगी नहीं क्योंकि रिटर्न वाली होती है और फिर से वही पिका चुका मॉडल था और वही इन्वायरमेंट है ठीक हो गया अब इधर भी देखिए ध्यान से तो ये वही जो है इस ये जो है आपको मैं खा हूं। शेडिंग में जाके

पे वो ले जाएगी कि नहीं ठीक हो गया और स्पेसिफिक जगह पे ध्यान रखना पड़ेगा अब ये देखें कि ये जो, है, इसकी जो इन बीम है ये देखें ये टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाती है टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती स्ट्रेट होती है जब यहाँ पे जाता होता है तो यहां पे की फ्रेम लगा हुआ है इसके ऊपर इसके ऊपर है उसकी यहाँ पे जीरो होती है

इसके ऊपर भी उसी तरह से वही टेक्सचर लगा लेकिन फर्क ये है यहाँ पे शेडिंग में अगर आप देखें उसी तरह से जो है ना इस पहले वाले में खुद उसके आर्मीचर्स के ऊपर स्केल के ऊपर जो वैल्यूज है लोकेशन के ऊपर जो की फेम्स है उस लगे होंगे ठीक है आप लोग पहले जो है बड़े बरेस के छोटे से इधर पहले बताया और फिर बाद में छोटा होता है मोबाइल छोटा होता है होता है है ये फर्क और मैं इसमें एक छोटी सी चीज चेंज करूंगा

तो यहाँ पे मिक्सचर यूज किया था लेकिन आप यूज कर सकते हैं उसी तरह से उसी तरह से ठीक हो गया और ऐसे उसी तरह से आप यूज कर सकते हैं ठीक हो गया और इस तरह से यहाँ पे भी की फेम्स ने सारा कुछ कंट्रोल किया हुआ है कितना कि कितना पिकाचो ट्रांसपेरेंट होगा कितना उसकी लाइट में चेंज होगा और उसी तरह से यहाँ पे भी जो है पिकाचों के ऊपर भी डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर है ठीक है जिसकी स्ट्रेंथ अभी जीरो थी स्टार्ट में और जितना वो मतलब उसका छोटा होना शुरू हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर की स्ट्रेंथ ज्यादा इंक्रीज होती जाती है और यह कि आप इस को थोड़ा लंबा कर सकते हैं ठीक है लेकिन आपकी अपनी मर्जी है और फिर से वो उस स्पीड है वापस मूव करना शुरू हो जाता है और वापस अंदर चल जाती है लाइट इफेक्ट होता है कि वापस चला गया असल में वो, नहीं, असल में वो जो पिकाचू का मॉडल है वो अभी भी वहीं पर है ये देखें ये देखें वो स्केल डाउन हो गया और यहाँ पे चला गया ठीक है और देखें वो डाउट अभी तक वहीं पे इसका निशान यही है कि वो, वो असल में है वहीं पे बस ये लेजर वापस जाती है कि वो वापस गया तो उम्मीद है सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें तो मैं और टोटल्स मतदाताओं फिर मिलते हैं इंशाल्लाह तला अल्लाह हाफिज